नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। राज्यपाल जल्द स्पष्ट करे स्थिति, भाजपा के षड्यंत्र से निपट लेंगे सुप्रियो भट्टाचार्य। झामुमो के केंद्रीय समिति सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने राज्यपाल रमेश बैस से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त मंतव्य के आधार पर राजनीति स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि मीडिया से जानकारी मिली थी कि 25 अगस्त को आयोग ने राजभवन को अपना मंतव्य दे दिया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने भी यूपीए प्रतिनिधिमंडल से 1 सितंबर को मुलाकात के दौरान स्थिति स्पष्ट करने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा था। हालांकि राजभवन से जारी प्रेस विज्ञप्ति में अति शीघ्र समुचित कार्रवाई की जानकारी दी गई थी। सुप्रियो ने कहा है कि राज्यपाल स्थिति स्पष्ट कर दे तो भाजपा के षड्यंत्रकारी मानसिकता से लोकतांत्रिक तरीके से निपट लेंगे। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसकी वजह से राजधानी रांची समेत झारखंड के लगभग सभी हिस्सों में बारिश होने के संकेत हैं। रांची स्थित मौसम केंद्र ने यह जानकारी दी है कि इसमें कहा गया है शनिवार को राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्ज की वर्षा हो सकती है। 11 सितंबर से राज्य में लगभग सभी जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। वहीं कुछ जगहों पर भारी बारिश होने के संकेत भी मिले हैं। रांची स्थित मौसम केंद्र की वैज्ञानिक प्रीति गुणवानी ने कहा है कि यह छठा मौका है जब मानसून के सीजन में बंगाल की खाड़ी में ऐसा सिस्टम तैयार हुआ है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बने झारखंड भाजपा के प्रभारी। उत्तर प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड भाजपा का नया प्रभारी बनाया गया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं। उनसे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री दिलीप सैकिया के पास झारखंड का प्रभार था। रांची के मेयर और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा को बंगाल का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। बता दें, झारखंड में 2 साल बाद लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा ने एक मजबूत और अनुभवी नेता को झारखंड की कमान सौंपी है। वाजपेयी हाल ही में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भी पार्टी के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज आज आ रहे रांची। जुडिशियल एकेडमी में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर शनिवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के 3 जज जस्टिस MR शाह, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस इंद्र बनर्जी शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम शनिवार को सुबह 10:30 बजे से आरंभ होगा। झारखंड हाई कोर्ट के नए परिसर में वकीलों को पर्याप्त चैम्बर नहीं दिए जाने से उनका आक्रोश बढ़ गया है। झारखंड हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने इसके लिए आंदोलन करने का भी निर्णय लिया है। 12 सितंबर को एसोसिएशन की जनरल बॉडी की बैठक बुलाई गई है जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर महिला मरीज को चादर में लपेटकर एम्बुलेंस में चढ़ाया। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में 8 सितंबर को एक मरीज को चादर में लपेटकर उठाकर एम्बुलेंस में ले जाते हुए एक तस्वीर वायरल हुई थी। इसको लेकर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट प्रबंधन पर सवाल उठाए गए थे। सवाल यह उठा था कि एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से महिला मरीज को स्ट्रेचर की व्यवस्था क्यों नहीं दी गई। इसके जवाब में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट प्रबंधन ने एक विज्ञप्ति जारी कर अपनी ओर से सफाई दी है। विज्ञप्ति में प्रबंधन की ओर से पूरे मामले में खेद व्यक्त किया गया। प्रबंधन की ओर से दी गई जानकारी में यह बताया गया है कि 8 सितंबर को एक बीमार महिला यात्री को एयर एशिया की फ्लाइट से रांची लाया गया था। उनके साथ महिला के पति और पुत्र दोनों थे। सीएम हेमंत ने दिया केसीसी का स्वीकृति पत्र। गढ़वा बैंक लोन देने में कर रहा टाल मटोल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों केसीसी का स्वीकृति पत्र मिलने के बावजूद गढ़वा जिले के किसानों को बैंकों की ओर से ऋण नहीं दिया जा रहा। इस वजह से गढ़वा जिले के किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। गत 23 जून को लातेहार में आयोजित बिरसा किसान सम्मान समारोह में गढ़वा जिले के 10 किसानों को बुलाकर केसीसी का स्वीकृति पत्र मुख्यमंत्री ने सौंपा था। इस स्वीकृति पत्र के साथ भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा टंडवा गढ़वा की ओर से भी ऋण स्वीकृति से संबंधित पत्र उन्हें दिया गया था। लेकिन इस बात के 2.5 महीने बीत गए, इसके बावजूद बैंकों की ओर से उन्हें राशि नहीं दी गई, बल्कि जाने पर टाल मटोल किया जा रहा है।
नर्सिंग कॉलेजों में दाखिला और फीस की बनी नियमावली। राज्य में नर्सिंग की पढ़ाई में अब निजी संस्थानों की मनमानी नहीं चलेगी। न तो बैक डेट में नामांकन लिए जा सकेंगे, न ही मनमानी फीस वसूली जा सकेगी। राज्य में नर्सिंग की पढ़ाई के लिए संचालित सभी 247 संस्थानों सरकारी एवं गैर सरकारी मिलाकर में नामांकन की प्रक्रिया, सीटों का वर्गीकरण, शुल्क निर्धारण एवं परीक्षा संचालन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने नियमावली तैयार की है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा है कि सभी संस्थानों में झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों का ही दाखिला होगा। इसमें सरकारी संस्थानों की सभी सीटें एवं निजी संस्थानों की 50% सीटें JCCB की काउंसिल के माध्यम से आवंटित होगी। 3 बच्चों की मां से दुष्कर्म, वीडियो वायरल करने की धमकी। झारखंड के जामताड़ा जिले के करमाटांड थाना क्षेत्र के सतुआटांड गांव की एक विवाहिता ने गांव के ही 4 युवकों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला करमाटांड थाना में दर्ज कराया है। पीड़िता की माने तो आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 3 महीने तक दुष्कर्म करते रहे और बाद में वीडियो वायरल भी कर दिया। SP ने शिकायत मिलते ही त्वरित कार्रवाई की और मामले दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। झारखंड में बिजली बिल के नाम पर ठगी कर रहे 10 साइबर को जेल। जामताड़ा साइबर पुलिस ने बुधवार को करमाटांड थाना क्षेत्र से 10 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी साइबर ठग करमाटांड थाना क्षेत्र के अलावा देवघर जिले के बुढ़ई थाना क्षेत्र के हैं। इस संबंध में साइबर थाना में SP मनोज स्वर्गियारी ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर करमाटांड थाना क्षेत्र के ताराबहाल, रिंगो, चिंगो एवं हेठकरमाटांड में साइबर थाना प्रभारी अजय पंजीकार, नारायणपुर पुलिस इंस्पेक्टर मनोज कुमार, इंस्पेक्टर विश्वनाथ सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी ने छापेमारी की। इस दौरान कुल 10 साइबर ठग गिरफ्तार किए गए, जबकि 1 साइबर ठग भागने में सफल रहा। झारखंड CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ से मिले CM हेमंत। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने अखिल झारखंड CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री से आगामी शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जारी करने से पहले JTET का आयोजन अथवा CTET को JTET के समतुल्य मान्यता देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अखिल झारखंड CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ के प्रतिनिधिमंडल से कहा है कि राज्य सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी, अपनी मांगों पर राज्य सरकार विचार करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को रांची के काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में अखिल झारखंड CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है। देवघर में आज से अढ़ैया मेला, बाबा नगरी में भीड़। भादो मेला शुक्रवार को पूर्णिमा के साथ समाप्त हो गया। शनिवार से प्राचीन मेला अढ़ैया प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि अढ़ैया मेला की झलक बाबा नगरी में दिखनी प्रारंभ हो गई है। गुरुवार को सुबह से ही सुल्तानगंज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आकर्षक सुंदर पारंपरिक कांवर लेकर नाचते गाते हुए बाबा धाम पहुँचने दिखे। कांवरिये शिवगंगा में स्नान कर विधिवत संकल्प कर पंडित शिवराम झा चौक से कतार व्यवस्था के साथ बाबा मंदिर में प्रवेश कर स्पर्श पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। पलामू टाइगर में 1 दर्जन दुर्लभ पक्षी। पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र अंतर्गत बरवाडी प्रखंड के लेदगाई गांव के समीप अज्ञात बीमारी से 1 दर्जन से अधिक नाइट जार पक्षियों की मौत हो गई। PTR प्रबंधन पक्षियों की मौत के कारणों की जाँच पड़ताल में जुट गया है। पक्षियों की इतनी बड़ी संख्या में मौत होने से PTR के पदाधिकारी सकते में आ गए हैं। वन कर्मियों को अलर्ट करने के साथ साथ प्रबंधन द्वारा मौत के कारणों की जांच का आदेश दे दिया गया है। इस बात पर विशेष फोकस किया जा रहा है कि कहीं कोई संक्रमण के कारण पक्षियों की मौत तो नहीं हुई है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।